हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में, जिनमें कल जब मार्केट ओपन होगा तो चांसेस पूरे पूरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कल एक अच्छी तेजी का माहौल जो है यहाँ पर आपको नजर आ सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये तो हम आज की इस वीडियो में जो है डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर बोल दूं कि इनके जो है नंबर निकल कर आए हैं, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज के जो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे उनके जो है नंबर निकल कर आए हैं, एंड जो नंबर निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बेसिकली अच्छे नंबर्स उम्मीद लेकर आते हैं कि एक अच्छी तेजी हो सकती है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, ये बात सच है, लेकिन हाँ उम्मीद ज़रूर होती है कि अच्छे नंबर्स आए हैं तो चांसेस पूरे पूरे बनते हैं कि एक तेजी का माहौल जो है यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। अब ये कौन कौन से शेयर्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एंड वही जो है मैं आपके सामने अब रखने भी वाला हूँ। तो चलो एक एक करके मैं स्टॉक्स आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ अगर हम देखें तो प्रॉफिट, मेन वही मकसद है मेरा आपको दिखाने का कि आखिरकार प्रॉफिट किस तरीके के निकल कर आए हैं। तो ये नंबर आ चुके हैं आपके सामने, एंड यहाँ आप देखोगे तो 20,565 करोड़ का जो है प्रॉफिट कंपनी ने इस बार इस क्वार्टर में बनाया है। लेकिन अगर हम इसे कंपैरिजन करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे तब ये समझ में आएंगी। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर आप इसे देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 20,094 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हाँ, लगभग 500 करोड़ के आसपास का फर्क है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन मेन फर्क है दोस्तों ईयरली बेसिस पर, जो कि 16,000 करोड़ के आसपास था। तो स्पेशली अगर आप देखोगे तो 4,000 करोड़ का फर्क निकल कर आया है, एंड ये 4,000 करोड़ का फर्क जो है ये अच्छा खासा निकल कर आ रहा है। लगभग 25-30% की प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। SBI एक ऐसा शेयर भी है, अगर आप इसे देखोगे तो एक ऐसा शेयर है पर्टिकुलरली कि इस ये मतलब अगर ऊपर नीचे होता है तो मार्केट पर इसका जो है इम्पैक्ट वो अच्छा खासा पड़ सकता है। इस बात की जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि बेसिकली ये स्टॉक कोई छोटी मोटी मार्केट कैप वाला स्टॉक है नहीं। बेसिकली अगर आप इसे देखोगे तो अच्छी खासी मार्केट कैप जो है कंपनी होल्ड करती है, एंड जब यहाँ पर ऊपर नीचे होता है तो ये पूरी की पूरी निफ्टी में भी इसका जो है फर्क वो आपको पड़ता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए SBI एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शेयर निकल कर आता है, तो इस पर नज़र रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो आप यहाँ पर नज़र तो रखें ही, एंड मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी आप यहाँ पर उम्मीद करके जो है चल सकते हैं। इस बात के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। लेकिन अगर हम SBI के बाद नेक्स्ट शेयर देखें तो रखता हूँ आपके सामने, तो दोस्तों नाम है वेदांता। इस शेयर ने बेसिकली सबको चौंका कर रख दिया है। उसके पीछे कारण है कि पिछली बार जो कंपनी लॉस मेकिंग थी, लॉस कर रही थी, इस बार प्रॉफिट तो किया ही है और ज़बरदस्त प्रॉफिट किया बेसिकली। तो यहाँ पर आपके सामने मैं रख देता हूँ प्रॉफिट 7,633 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। अब ये चाहे आप इसे पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तो भी आपको एक अच्छी खासी बढ़त, लगभग 1700 करोड़ रुपए की प्रॉफिट बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो बेसिकली अगर देखोगे आप तो अच्छी खासी प्रॉफिट बढ़ती हुई देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पर। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली बेसिस की भी नहीं है, अगर आप इसे सालाना बेसिस पर देखो तो असली चीज़ें जो हैं आपको समझ में ज़रूर आएंगी। तो ये देखो, पिछले साल नेट प्रॉफिट यहाँ पर नुकसान में था, मतलब प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस था, 900 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी ने जनरेट किया था। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो सिचुएशन बदल गई है, ना सिर्फ प्रॉफिट में आया है काउंटर बल्कि अच्छी खासी नेट में अगर आप देखोगे 5603 करोड़ की प्रॉफिट निकल कर आई है। जहाँ 900 करोड़ का लॉस था अब 5600 करोड़ का प्रॉफिट है। तो क्लियर कट आप ये मान के चलिए कि भारी भरकम प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। इस तरीके के प्रॉफिट के चलते आप कह सकते हो कि यहाँ पर तेजी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर भी लेकर चलूँगा। इन दोस्तों इसका नाम है डिवीज लेबोरेटरी। अगर आप डिवीज को देखोगे तो ये पिछले कुछ समय में यहाँ पर क्या हालचाल रहे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन अब इसके जो नंबर निकल कर आए हैं वो आपको देख लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके नंबर अगर आप देखोगे तो देखो, वन सेकंड मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखो 510 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से 430 करोड़ का था। उसके हिसाब से भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अच्छे नंबर हैं। श्योरली अगर आप देखें तो अच्छे नंबर आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
लेकिन अगर हम इसे भी देखें पर्टिकुलरली, आगे इसकी स्थिति देखने की कोशिश करें कि क्या नजर आती है, मतलब सालाना बेसिस पर, तो 348 करोड़ था। अब 348 करोड़ और 510 करोड़ में फर्क अच्छा खासा है, नो डाउट, लगभग लगभग 50% से ज्यादा का फर्क दिखाई दे रहा है। एंड जब इस तरीके के फर्क आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, इस तरीके की चीजें जो हैं आपके सामने निकल कर आ रही हैं, तो क्लियरली आप मान के चलिए कि सिचुएशन जो है अच्छी तो है ही, और यहाँ पर और अच्छी हो सकती है, इस बात के चांसेस हैं कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। तो अभी तक हमने जो है तीन शेयर्स, तीन कंपनी जो है डिस्कस करी हैं, जिनमें अच्छे नंबर्स के बाबू चलते एक तेजी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैं आपके सामने रखूं शेयर, तो निकल कर आता है दोस्तों लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो लेटेंट व्यू के भी नंबर आए हैं, इसके भी नंबर दिखाऊंगा मैं। 41 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करी है, पिछली बार 39 करोड़ की, तो पिछले साल 34 करोड़, 34 करोड़ के हिसाब से, ठीक है, 39 करोड़ के हिसाब से जो 41 करोड़ की प्रॉफिट है, ये अच्छी खासी बढ़ोतरी है, एक ठीक ठाक सी बढ़ोतरी आप इसे मानकर चल सकते हैं। एंड जब इस तरीके की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, तो श्योर है कि इसका जो है फर्क वो आपको अच्छा खासा पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो इसमें आपको इसमें भी नजर रखनी चाहिए। तो अभी तक जो है हम 4 स्टॉक्स पर डिस्कस कर चुके हैं, 4 स्टॉक्स की उम्मीदें जो है अच्छी दिखाई दे रही हैं, और लग रहा है कि एक अच्छी तेजी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ और भी शेयर्स हैं। अब ये दोस्तों जो मैं कंपनी आपके सामने रख रहा हूँ, वो अगर आप देखोगे तो ये रिजल्ट पर बेस नहीं करती, मतलब रिजल्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बेसिकली बात करूंगा कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी की खबरों के हिसाब से। डीसीएक्स को अगर आप देखोगे तो अमेरिका से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 460 करोड़ के आसपास का। दोस्तों जब इस तरीके के बड़े ऑर्डर मिलते हैं, स्पेशली कंपनी भी अगर स्पेशली छोटी हो, तो छोटी कंपनी को अगर बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता हुआ दिखाई देता है। एंड डीसीएक्स की भी उम्मीद है कुछ इसी तरीके की नजर आ रही है। यहाँ अगर आप देखो कि स्टॉक का पी वैल्यू जो है 54 के आसपास आपको जो है देखने को मिल रहा था। एंड अगर इसके बाद की स्थिति भी अगर हम देखें, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बेसिकली अच्छे ही नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इस पर भी आप अब नजर रखने चाहिए। अच्छे ऑर्डर मिले हैं तो उम्मीद तेजी की दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों आज की सीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते तो बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, जिससे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।